सब्सक्राइब कीजिए एसेट योगी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट फाइनेंस वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मेरा नाम मुकुल है और एसेट योगी में आपका स्वागत है, जहां हम फाइनेंस की नॉलेज को लॉक नहीं अनलॉक करते हैं। इस वीडियो में हम प्रेजेंट वैल्यू विद एन्युइटी कैसे कैलकुलेट होती है ये समझेंगे। ये वीडियो एक वीडियो सीरीज का पार्ट है जहां पे हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी को डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले हमने टाइम वैल्यू ऑफ मनी के बेसिक समझे थे, फिर हमने फ्यूचर वैल्यू के बारे में तीन वीडियोस बनाए थे जहां पे हमने फ्यूचर वैल्यू विद वन टाइम पेमेंट, फ्यूचर वैल्यू विद एन्युइटी, फ्यूचर वैल्यू विद अनइवन कैश फ्लोज के बारे में समझा था। फिर मैंने एक प्रेजेंट वैल्यू के बारे में वीडियो बनाया था जिसमें हमने एक सिंगल कैश फ्लो की प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकलती है वो समझा था। इस वीडियो में हम देखेंगे कि प्रेजेंट वैल्यू अगर मान लीजिए रेगुलर इंटरवल्स पे एक रेगुलर कैश फ्लो आता है आपका, मान लीजिए हर महीने आपके बिजनेस में 1-1 लाख रुपए आते हैं, तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं। मान लीजिए 20 साल तक हमें निकालनी है, 20 साल तक 1-1 लाख रुपए हर महीने आते हैं, तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी वो हम समझेंगे इस वीडियो के अंदर। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं लास्ट में आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर ये कैलकुलेशन कैसे होती है ये भी बताऊंगा। चलते हैं सीधा ब्लैक बोर्ड की तरफ। तो चलिए समझ लेते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युइटी का कंसेप्ट। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि प्रेजेंट वैल्यू एक सिंगल पेमेंट की क्या होती है। सिंगल पेमेंट मतलब अगर आपका मान लीजिए 1 लाख रुपए आफ्टर 5 ईयर्स आने हैं, लेट से 5 साल बाद आपको कहीं से 1 लाख रुपए मिलने वाले हैं, तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी। तो प्रेजेंट वैल्यू का हमने फॉर्मूला भी देखा था कि फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाई 1+r^n होता है, राइट। जहां पे फ्यूचर वैल्यू तो आपकी ये 1 लाख रुपए हो गई, राइट। तो यहां पे आप लिखेंगे 100,000 डिवाइडेड बाई 1+0.07, ये 0.07 डिस्काउंट रेट होता है। तो r ये बेसिकली हमने कहा था डिस्काउंट रेट होता है, जो कि हम एक फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट जैसे होता है आपका, जो रिस्क फ्री इंटरेस्ट होता है उसको हम डिस्काउंट रेट मानते हैं। और साथ में ये जो n होता है ये आपका नंबर ऑफ पीरियड्स होता है, राइट। तो यहां पे इस फॉर्मूले में अगर हम ये 5 साल की बात कर रहे हैं तो यहां पे n जो है ये 5 हो जाएगा, राइट। तो इस तरीके से हमने ये प्रेजेंट वैल्यू निकाली थी 1 लाख रुपए की, हमने उस टाइम पे प्रेजेंट वैल्यू निकाली थी 71,299। और हमने ये भी देखा था कि ये एक्सेल शीट के अंदर या गूगल स्प्रेडशीट के अंदर कैसे कैलकुलेट हो सकती है। अब इस वीडियो के अंदर हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युइटी। अब एन्युइटी का क्या मतलब है कि कोई यूनिफॉर्म पेमेंट हो रही है एट यूनिफॉर्म इंटरवल्स। यूनिफॉर्म का मतलब है, अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, मान लीजिए आपको 10,000 रुपए पर मंथ की कहीं से पेमेंट आती है, लेट से 3 साल के लिए आती है। अब अगर हम इसका एक एग्जाम्पल लें, मान लीजिए आपको कहीं से रेंट आता है, राइट। आपने लेट से 3 साल की लीज साइन करी है फॉर एग्जाम्पल। अब आप चाहते हैं कि इस पूरे के पूरे अमाउंट की एक प्रेजेंट वैल्यू निकल जाए, तो आप कैसे निकालेंगे। अब वो फॉर्मूला हम देखेंगे कि वो फॉर्मूला एक्सेल शीट के अंदर कैसे निकलता है। उसके पहले मैं आपको इसका एक सिंप्लीफाइड एग्जाम्पल दे देता हूं, जिससे हमें ये समझ में आ जाए कंसेप्ट का क्या मतलब है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम जीरो डेट पे हैं आज, और लेट से 1 साल और 2 साल बाद हमें 10,000 रुपए आने वाले हैं, राइट। तो पहले साल में मेरे को 10,000 आने वाले हैं, दूसरे साल में भी 10,000 आने वाले हैं। तो अब इसकी प्रेजेंट वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इस केस में क्या होगा कि यहां पे ये जो 10,000 है इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकलेगी सबसे पहले, तो वो कितनी होगी, 10,000 डिवाइडेड बाई 1.07, राइट। उसके बाद इसकी भी प्रेजेंट वैल्यू निकलेगी और इसको भी हम जीरो डेट पे लेके आएंगे, तो ये कैसे निकलेगी, ये आपकी 10,000 डिवाइडेड बाई 1.07^2। तो ये जो रेज टू द पावर 2 किया है मैंने, ये देखिए यहां पे 1.07, जैसे यहां पे हमने 5 किया था ये 2 कर दिया। तो अब हम इसकी वैल्यू अगर निकालेंगे तो ये निकल के आ जाएगी आपकी 9346, और इसकी वैल्यू जब हम निकालेंगे तो ये वैल्यू निकल के आ जाएगी आपकी 8734। आप इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये दोनों की दोनों वैल्यू ऐड होके 18,080 रुपए की वैल्यू निकल के आ जाएगी, राइट। तो इसी तरीके से अगर आप 3-4-5 साल मल्टीपल सालों के लिए निकालना चाहते हैं तो सबकी प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी जीरो डेट पे और आप उनको ऐड कर देंगे। तो ये कंसेप्ट है एन्युइटी का। तो ये तो हो गया अब काफी लंबा तरीका, अगर आप मान लीजिए 5 साल 10 साल 15 साल के लिए निकालना चाहते हैं तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो इसी के लिए हमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यूज करना चाहिए और गूगल स्प्रेडशीट। तो हम देखेंगे कि किस तरीके से कैलकुलेशन हो जाती है। हम दोनों ही देख लेंगे कॉन्सेप्ट कि ये 10,000 वाला अगर 2 साल के लिए हम करते हैं तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकलती है एक्सेल शीट में।
साथ ही में अगर हम पर मंथ की बात करते हैं, मंथली कंपाउंडिंग हो रही है फॉर एग्जांपल, और पर मंथ आपकी कुछ पेमेंट आ रही है, तीन साल का मतलब हो गया 36 महीने, तो कैलकुलेशन कैसे होगी? दोनों ही कैलकुलेशन हम एक्सेल शीट में भी देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं एक्सेल शीट में ये कैसे कैलकुलेट होती है, या फिर आप गूगल स्प्रेडशीट में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए, इस केस के अंदर फ्यूचर वैल्यू जीरो है, क्योंकि हम एक सिंगल पेमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, राइट? तो हम क्या बात कर रहे हैं कि अगर आपकी 10,000 की पर एनम की पेमेंट आती है, जो मैंने पहले एग्जांपल में आपसे बात की थी कि 2 साल तक अगर आपकी पहले साल में और दूसरे साल में 10,000 की पेमेंट आती है, 7% का आपका डिस्काउंट रेट मान लेते हैं हम। डिस्काउंट रेट की हमने पहले भी बात की थी अपने प्रेजेंट वैल्यू के पहले वाले वीडियो में। डिस्काउंट रेट होता है आपका जो फिक्स डिपॉजिट का हम एक रिस्क फ्री रेट मान सकते हैं। तो अगर आपने मेरा पहला वाला वीडियो नहीं देखा है प्रेजेंट वैल्यू का, तो वो वाला वीडियो जरूर देख लीजिए, क्योंकि डिस्काउंट रेट के अंदर आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। यहां पे हम एक एफडी का रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट मान रहे हैं, जो आज की डेट में लेट से 7% चल रहा है। अब ये वेरी कर सकता है, तो आपके प्रेजेंट टाइम में जो भी एक एफडी का इंटरेस्ट रेट चल रहा है रिस्क फ्री, उसको आप डिस्काउंट रेट ले लेंगे। यहां पे 2 साल का यहां टाइम पीरियड हो गया, कंपाउंडिंग एनुअली हो गई, हम एनुअली मान के चल रहे हैं यहां पे। अब प्रेजेंट वैल्यू अगर आप निकालते हैं तो इज इक्वल टू आप पीवी का साइन लगाएंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे पीवी का फॉर्मूला, इसके बाद अब यहां पे आपको जो जो इन्फॉर्मेशन मिलती जा रही है वो आप एंटर करते जाएंगे। तो देखिए यहां पे रेट की पहले बात हो रही है, तो सबसे पहले आप रेट डालेंगे। यहां पे एनुअल कंपाउंडिंग है, तो यहां पे एनुअल आप एज इट इज ये सेल सेलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि ये 7% का एनुअल रेट है, राइट? कॉमा डाल के आप स्पेस डालेंगे, पीरियड आप 2 साल सेलेक्ट कर लेंगे, राइट? ये हमने सेल सेलेक्ट कर लिया सीधा सीधा, कॉमा डाल के, अब ये सेल सही से सेलेक्ट नहीं हुआ है, कॉमा डाल के फिर से स्पेस करेंगे। अब हमें पेमेंट डालनी है, तो आप माइनस का साइन लगा के आप ये पेमेंट सेलेक्ट कर लेंगे, 10,000 पर मंथ की पेमेंट आ रही है। उसके बाद कॉमा डाल के स्पेस लगाएंगे, उसके बाद आपकी जो फ्यूचर वैल्यू है ये इस केस में जीरो है, क्योंकि एक सिंगल लमसम पेमेंट नहीं आ रही है हमारे पास, वो हमने अपने पिछले वीडियो में देखा था। अगर आपको लमसम वैल्यू एक सिंगल पेमेंट की अगर प्रेजेंट वैल्यू निकालनी होती है, तो हमने फ्यूचर वैल्यू उस टाइम पे यूज किया था, तो आप वो वाला वीडियो देख सकते हैं हमने फॉर्मूला किस तरीके से यूज किया था। तो यहां पे इस केस में हम जीरो लगा देंगे, फ्यूचर वैल्यू हमारी जीरो है, हम ब्रैकेट बंद करके एंटर कर देंगे। तो देखिए हमारी 18,080 रुपए ही वैल्यू आ गई, जो हमने पिछले अपने वीडियो में देखा था, मतलब इसी वीडियो में हमने जो पहले देखा था जब हम मैन्युअली कैलकुलेट कर रहे थे, तो भी 18,080 की वैल्यू आई थी, राइट? अब हम देखते हैं, तो ये देखिए ये वाली तो सिंपल कैलकुलेशन है, ये आप मैन्युअली भी कर सकते हैं, क्योंकि खाली 2 साल की बात है। अब अगर मान लीजिए आपको लेट से 10,000 रुपए का पर मंथ का रेंट आता है कहीं से, लेट से, या फिर कहीं से डिविडेंड आता है, आपका फिक्स डिविडेंड आता है किसी स्टॉक से, तो आप उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालना चाहते हैं, आप उसकी वैल्यूएशन निकालना चाहते हैं, तो कैसे निकालेंगे? इस केस के अंदर डिस्काउंट रेट सिंपली 7% पर एनम हो जाएगा, 3 साल का आपका टाइम पीरियड है, कंपाउंडिंग इस केस में मंथली होगी, क्योंकि अब 10,000 रुपए आपके पास हर महीने आ रहे हैं, राइट? तो आप उस 10,000 रुपए को कहीं पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, हर महीने आ रही है वो पेमेंट, राइट? इसीलिए यहां पे कंपाउंडिंग मंथली मानी जाएगी। तो अब देखते हैं फॉर्मूला इस केस में किस तरीके से यूज होगा। आप इज इक्वल टू पीवी करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब देखिए रेट जो है, क्योंकि यहां पे मंथली कंपाउंडिंग हो रही है, तो आप रेट सेलेक्ट करके उसको 12 से डिवाइड कर देंगे, राइट? उसके बाद आप पीरियड सेलेक्ट करेंगे, पीरियड मतलब 3 साल है, तो ये भी आपको महीनों में चाहिए, तो इसको आप 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कॉमा डाल के स्पेस लगाएंगे। अब हमें पेमेंट डालनी है यहाँ पे। अब ये मंथली पेमेंट हो रही है, डेफिनेटली ये 10,000 रुपए की, ये हम सेलेक्ट कर लेंगे सेल। फिर से हम कॉमा स्पेस लगा के जीरो टाइप कर देंगे, क्योंकि फ्यूचर वैल्यू हमारी जीरो है इस केस के अंदर भी, हम एंटर करेंगे। तो ये देखिए 3,23,865 रुपए आ गई। तो अगर आपको 10,000 रुपए हर महीने 3 साल तक मिलते हैं, तो अगर मैं इसकी एक्चुअल वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू की बात करूं, तो देखिए 36 × 10,000 आपको टोटल पैसा कितना मिलेगा, 3,60,000 मिलेगा, राइट? लेकिन अब वो पैसा, क्योंकि आपको 3 साल के अंदर मिल रहा है, तो 3,60,000 वैल्यू बन रही है। लेकिन अगर आपको वही पैसा किसी से लंपसम लेना होता, तो आप 3,23,865 भी ले सकते थे, इसका ये मतलब है, राइट? तो हमने 3 साल के जो पैसे मिल रहे हैं उसकी एक तरीके से प्रेजेंट वैल्यू निकाल दी, उसकी एक वैल्यूएशन निकाल दी। इसी तरीके से कंपनीज की भी वैल्यूएशन निकलती है। अगर किसी की फिक्स्ड इनकम आती है, किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर आपकी फिक्स्ड इनकम आती है, किसी भी इन्वेस्टमेंट के अंदर आपकी फिक्स्ड इनकम आती है, तो इस तरीके से आप उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन अब क्या होता है, ज्यादातर केसेस में हमारी जो पेमेंट होती है वो फिक्स्ड नहीं आती है, उस केस में हमें नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालनी होती है। अब फॉर एग्जाम्पल बिजनेस के अंदर हमारा लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है,
कैश फ्लो आपके नेगेटिव हो सकते हैं, पॉजिटिव हो सकते हैं, तो उस केस में हम क्योंकि नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं और उसी को हम वैल्यूएशन कहते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नेट प्रेजेंट वैल्यू की बात करेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो आप नेट प्रेजेंट वैल्यू वाला हमारा नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिए। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसको लाइक कर दीजिए और अपने फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर कीजिए, जिससे उनको भी इस वीडियो का बेनिफिट मिल सके। अगर आपके कुछ सुझाव हैं या आप कोई फीडबैक देना चाहते हैं इस वीडियो से या इस चैनल से रिलेटेड, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। इनफैक्ट आप टॉपिक्स भी सजेस्ट कर सकते हैं फ्यूचर वीडियोस के लिए। मैं आपके सारे कमेंट्स रेगुलरली पढ़ता हूं, तो मुझे मैक्सिमम कमेंट्स करके बताइए कि मुझे और कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने चाहिए। और ये चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपने फोन में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि मैं हर रोज इसी तरीके के इन्फॉर्मेटिव फाइनेंस रिलेटेड वीडियोस लेके आता रहता हूं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सीखते रहिए, कमाते रहिए और हमेशा की तरह खुश रहिए।